हेलो एवरीवन। तो गाइस आईपीएल 2022 में मेगा ऑक्शन होने वाला और इस मेगा ऑक्शन में कई सारे बड़े बड़े विदेशी प्लेयर्स हमें मेगा ऑक्शन का पार्ट होता हुआ नजर आएंगे और ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में किन किन विदेशी प्लेयर्स को टारगेट करेगी, इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप माई 11 सर्कल के बारे में बताना चाहता हूँ। इस ऐप की खास बात यह है कि इस ऐप में वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली और अजिंक्य रहाणे जैसे ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसी वजह से ये 100% ट्रस्टेड ऐप है। जैसा कि आपको पता है भारत 16 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेल रहा है। आपको बस अपने क्रिकेट नॉलेज का यूज करके दोनों टीमों में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं और अगर आपके खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप बहुत ही बड़ा अमाउंट जीत सकते हैं और उसके अलावा भारत अगर उस मैच में जीतता है तो आपकी विनिंग अमाउंट भी डबल हो जाएगी। वहीं पर अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर कॉमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो हमारे स्पेशल व्यूअर्स के लिए कैशबैक बोनस ऑफर है। आप कोई भी अमाउंट 100 या 1000 या फिर 10000 जमा कर सकते हैं, माई 11 सर्कल उस अमाउंट को 20% एक्स्ट्रा कर देगा। अगर आप 1000 जमा करते हैं तो आपके वॉलेट में 1200 रुपए मिलेंगे और ये एक स्पेशल ऑफर है। तो जब तक ये अवेलेबल है तब तक आप इसे यूज कीजिए और अभी आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको 1500 का ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है। तो वेट किस बात का, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में माई 11 सर्कल ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी टीम बनाइए। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अब दोस्तों बात करें हम सबसे पहले उस विदेशी खिलाड़ी के बारे में जिसको आरआर की टीम मेगा ऑक्शन में टारगेट करेगी। तो उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों ट्रेंट बोल्ट। अब ट्रेंट बोल्ट के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, न्यूजीलैंड की टीम के ये क्रिकेटर है और काफी बढ़िया इन्होंने प्रदर्शन किया है। पिछले कुछ टाइम से देखे तो काफी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा और स्पेशली आईपीएल में जब ये एमआई की टीम के साथ जुड़े हैं पिछले 2 सीजन से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और डेथ में भी बढ़िया गेंदबाजी करने लग गए हैं अब तो ट्रेंट बोल्ट, और पावर प्ले में तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो आरआर की टीम को जरूर से ट्रेंट बोल्ट को टारगेट करती हुई हमें नजर आएगी मेगा ऑक्शन में। दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वहां पर नाम आता है शिमरॉन हेटमायर का। शिमरॉन हेटमायर वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है और आईपीएल में लगातार ये खेल रहे हैं। पिछले 2-3 सीजन की बात करें तो खेल रहे हैं और अच्छा खासा ये प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, पिछला सीजन भी अच्छा रहा था और अच्छे तरीके से ये गेम को फिनिश कर सकते हैं। इनमें अच्छी एबिलिटी है गेम फिनिश करने की और मिडिल ऑर्डर में बढ़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ऐसे में आरआर की टीम को भी जरूर से शिमरॉन हेटमायर की तरफ जाना चाहिए और मेगा ऑक्शन में अच्छी खासी बिडिंग करनी चाहिए और आरआर की टीम इनको जरूर से टारगेट भी करेगी। तीसरे प्लेयर की बात करें तो वह दोस्तों राशि वांडर डुसेन। अब दोस्तों राशि वांडर डुसेन को आरआर की टीम के साथ इनकी डील ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो चुकी थी आईपीएल 2021 में बेन स्टोक्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर, लेकिन एंड मोमेंट पे आके क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इनको एनओसी नहीं दी थी तो इसी वजह से वो आईपीएल नहीं खेल पाए थे। लेकिन अगले सीजन ये मेगा ऑक्शन में आएंगे, आरआर की टीम को जरूर से इनकी तरफ देखना चाहिए और आरआर की टीम एक बार जरूर फिर से यहां पर राशि वांडर डुसेन पर भरोसा जताएगी और उनके ऊपर मेरे हिसाब से तो आरआर की टीम डेफिनेटली बिडिंग करती हुई हमें नजर आएगी ही आएगी। वहीं पर दोस्तों बात करें अगले खिलाड़ी के बारे में तो वहां पर नाम आता है एडम सैंपा का। एडम सैंपा काफी बढ़िया क्रिकेटर है, काफी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है T20 वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में मेगा ऑक्शन का ये पार्ट होंगे। आरसीबी की टीम रिटेन नहीं करेगी, आरआर की टीम को इनको जरूर से टारगेट करना चाहिए, एक अच्छा स्पिनर मिल जाएगा राजस्थान रॉयल्स की टीम को। वहीं पर दोस्तों बात करें हम अगले खिलाड़ी के बारे में, यानी कि आखिरी खिलाड़ी के बारे में बात करें, पांचवें खिलाड़ी के बारे में बात करें तो वहां पर नाम आता है साउथ अफ्रीका के ड्वेन प्रिटोरियस का। जी हां दोस्तों, ड्वेन प्रिटोरियस साउथ अफ्रीका के ये ऑलराउंडर है, इस वर्ल्ड कप में इन्होंने काफी बढ़िया गेंदबाजी भी करी है और इस मेगा ऑक्शन का ये भी पार्ट होने वाला है और ऐसे में आईपीएल की कई सारे इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाएगी क्योंकि ये डेथ में अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेते हैं और डेथ में अहूमन देखते ही हैं तो ये विकेट्स लेके ही जाते हैं और अच्छे खासी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं एंड में आके। तो ऐसे में आरआर की टीम को ड्वेन प्रिटोरियस को भी जरूर से टारगेट करना चाहिए। तो आपके मुताबिक गाइस इन 5 खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी को राजस्थान रॉयल्स की टीम को कन्फर्म रूप से मेगा ऑक्शन में खरीदना ही चाहिए, उस खिलाड़ी का नाम आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिससे आपको क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेगी। और गाइस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में माई 11 सर्कल ऐप का लिंक दिया गया तो वहां से जाके आप माई 11 सर्कल ऐप को जरूर से डाउनलोड करना और अपनी टीम बनाना।